हेलो एवरीवन तो तो बिटसेट 2022 के के जो जो हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर्स हैं हैं वो कल से स्टार्ट हो रहे तो यहां पे हम आपको जो है कुछ लास्ट मिनट टिप्स देना चाहेंगे साथ ही साथ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में भी बताना चाहेंगे जो कि आपको एग्जाम के टाइम पे ध्यान रखना है तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों की हेल्प के लिए हम लोगों ने एक फॉर्म रिलीज किया है जिसके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स यार पेपर जब दे के आ जाए तो वो इस फॉर्म को ध्यान से भरे इस फॉर्म के अंदर क्या क्या क्वेश्चन है तो एक तो हम ये चीज जानना चाहेंगे कि फिजिक्स का आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसा लगा केमिस्ट्री का कैसा लगा मैथ्स का कैसा लगा एलर इंग्लिश का क्या कैसा लगा तो एक एवरेज हमें पता चलेगा कि पेपर का लगभग लेवल कैसा था देन उसके अंदर आपको हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से देखने को मिले जैसे आपको लगा कि फिजिक्स में जो है मॉडर्न फिजिक्स से तीन या चार क्वेश्चन आए थे तो वो चीज आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं केमिस्ट्री में कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स देखने को मिले वो चीज आपने मेंशन कर दी या फिर अगर आपको याद है कि ये जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन आया ही आया था तो भलाई एक क्वेश्चन भी आया हो आप उसको जो है मेंशन कर सकते हैं तो चैप्टर और नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना आपको याद रहे उतना जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं देन साथ ही साथ अगर आपको कुछ क्वेश्चंस याद है कि भाई हाँ यही क्वेश्चंस जो है आपसे पूछा गया था एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था तो आपने वो चीज लिख दी या आपने एक स्लाइड हिंट भी दे दी कि हाँ भाई इनवर्स टेग्नोमेट्री में वो जो है टेन इनवर्स वाली एक सीरीज देकर रखी थी उस टाइप का क्वेश्चन था तो अगर आप हल्के फुल्के वर्ड्स में भी लिख देंगे तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस टाइप का जो है क्वेश्चन आया था तो ये जो पूरा एनालिसिस है ना ये आप लोगों की हेल्प के लिए ही है जो भी नेक्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स देंगे उनको ये चीज हेल्प करेगी साथ ही साथ आपको भी हेल्प करेगी क्योंकि जब आप जो है सेकेंड अटेम्प्ट देने जाएंगे आपके पास इतने सारे शिफ्ट्स का एक रिव्यू रहेगा एक एनालिसिस रहेगा तो आप और ज्यादा जो है प्रिपेयर रहेंगे ठीक है ना तो इसलिए आपको ध्यान से इस फॉर्म को भरना है तो जिन, -जिन का भी जब शिफ्ट हो जाएगी उसके बाद जो है हम कम्युनिटी में एक पोस्ट भी डालेंगे ठीक है और वो जो है आपको फॉर्म की लिंक भी मिल जाएगी तो ये एक ऐसा रिमाइंडर रहेगा तो ध्यान से उस टाइम पे जो है फॉर्म भर दीजिए जितने ज्यादा हमको रिव्यू मिलेंगे उतना जो है हम प्रॉपर तरीके से एनालिसिस ला पाएंगे बाकी हम जो है जल्द से जल्द जो है वो वीडियो को आपके लिए जो है रिलीज करेंगे अब हम देख लेते हैं चेकलिस्ट जो कि आपको मतलब कल एग्जाम के टाइम पे ध्यान रखनी है तो देखिए क्या क्या कैरी करना है आपको एक तो एडमिट कार्ड कैरी करना है देन आईडी कार्ड जो है कैरी करना है तो आप आधार कार्ड रख सकते हैं दो पासपोर्ट फोटोग्राफ्स भी रख लीजिए ठीक है।, है ना कभी कभी जो है जरूरत पड़ सकती है वैसे तो ऐसा कुछ एडमिट कार्ड में मेंशन नहीं है फिर भी जो है सेफ्टी के लिए रख लीजिए मास्क हो गया हैंड सैनिटाइजर हो गया फिफ्टी एम का देन आपका जो है ग्लव्स हो गए ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल हो गई साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट एक बॉल पॉइंट पेन भी रख लीजिए जिसके अंदर आपकी रिफिल विजिबल हो ठीक है ना तो वो ट्रांसपेरेंट ही रहे तो ज्यादा बेटर है और यहाँ पे आपको जो है एडमिट कार्ड के साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी रहेगा तो उसको भी जो है फिल कर दीजिएगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है यार मैं यही चीज मानता हूं कि वो लोग को कोविड नहीं होगा इस टाइम पे तो आपको जो है सिंपली इस फॉर्म को भर देना है ठीक है यहाँ पे जो है आई दैट आई एम नॉट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द कोरोना वायरस तो यहाँ पे अपना नाम और ये सब लिख दिया साइन भी आप अभी कर सकते और डोंट्स में देखिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है कि ब्लूटूथ डिवाइसेस अलाउड नहीं है कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है स्मार्ट वॉचेस अलाउड नहीं है सेलफोन अलाउड नहीं है तो नॉर्मल सी बात है ये सब चीजें अलाउड नहीं रहेगी ठीक है तो ये चीज का ध्यान रखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा आ, जिनका भी कल पेपर है वो आज रात को ही सारी चीजें चेक कर ले कि आपको क्या क्या जो है ले जाना है ठीक है अलग से टेबल पे निकाल के रख दीजिए सुबह ये नहीं होना चाहिए ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा ये वाली जो है भाई एकदम रश नहीं होना चाहिए लास्ट टाइम का और साथ ही साथ सेंटर जो है आपको एक घंटे पहले पहुंच जाना है शेड्यूल टाइम से देखिए एक चीज थी एडमिट कार्ड में जो है ये मेंशन था कि आपको एसएमएस आ जाएगा अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आया तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है लास्ट ईयर भी ऐसा कुछ हुआ था तो आप ये कर सकते हैं जो भी आपको एडमिट कार्ड में टाइम मेंशन है उससे एक घंटा पहले पहुंच जाइए उससे ज्यादा जल्दी जाने की जरूरत नहीं है उतनी देर में आपका जो है एंट्री आराम से हो जाएगी साथ ही साथ आपको छ से सात घंटे की जो है वो प्रॉपर स्लीप लेके जाना है ठीक है ना क्योंकि देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई आज तो मैं पूरा रात भर पढ़ूंगा तीन चार घंटे ही सोने का काफी है बाकी टाइम पर सारे फॉर्मुलेस रिवाइज कर लूंगा एग्जाम में यार आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो जाएगी आप जो है अपनी हंड्रेड परसेंट एफिशियंसी से परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे तो ये चीज का ध्यान रखिए छह घंटे भी अगर सो रहे हो तो अच्छे से सो जाओ ठीक है ना बिल्कुल टेंशन फ्री होके सोना कोई भी प्रकार का जो है आपको स्ट्रेस नहीं लेने की जरूरत साथ ही साथ सुबह जो है उठ के एक लाइट ब्रेकफास्ट लीजिए ठीक है ना तो ज्यादा उससे क्या होगा कि भाई नींद वींद नहीं आएगी या फिर पेट वेट नहीं दुखेगा तो ये आपको जो है लाइट ही रखना है और एग्जाम के टाइम पे कुछ पॉइंट्स का खास ख्याल रखिए एक तो सबसे पहले कि ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं है वाटर बॉटल है साथ में बस छोटे छोटे सिप्स लेते रहना कभी भी अगर जो है प्यास लग रही है या फिर एकदम से कुछ एंजाइटी होने लग गई कि यार पेपर थोड़ा टफ आ गया समझ में नहीं आ रहा है तो इन सब टाइम पे जो है पानी काम आता है देन दूसरी चीज ये हो गई कि आपको जो है राउंड स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए पेपर में मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो कवर कर चुका हूं तो इसकी मदद से आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तुरंत जाके देख लीजिए तीसरी चीज है कि कोई भी क्वेश्चन पे आपको स्टक नहीं होना है भाई साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि अपनी ईगो को अलग रखिए जब पेपर सॉल्व कर रहे हो नहीं तो कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं भाई ये मैथ्स का क्वेश्चन है मैथ्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ऐसे कैसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा वहां पे हर क्वेश्चन का जो है सेम वेटेज रहने वाला है प्लस थ्री ही मिलेगा ही क्वेश्चन एक आपका छोटा सा हो पिद्दी सा हो या फिर जो है अच्छे लेवल का हो तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन को लास्ट के लिए रखो टाइम मिला तो कर लेना नहीं मिला तो भाई जितने करोगे उससे भी एक अच्छा खासा स्कोर क्रिएट हो सकता है तो ईगो को भाई इस टाइम पे जो है साइड रखना और अगर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपकी स्पीड काफी बढ़िया रही तो सारे क्वेश्चंस जो है आपको इजी ही लगने वाले ठीक है में ज्यादातर क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट के आसपास ही होता है आपको जेई से थोड़ा कम लेवल देखने को मिलेगा तो यहां पे आपको यही ट्राई करना है कि आपकी स्पीड बहुत बढ़िया हो स्पीड अगर अच्छी रही तो क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे नहीं तो भाई इजी क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा टफ हो सकता है तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा की फैक्टर हो जाएगा तो इसका जो है आपको खास ख्याल रखना है और हो सकता है कि पेपर के बीच में कभी ऐसा हो कि यार आप पूरी तरीके से ब्लैंक हो गए हो अब आपको लग रहा है भाई क्या पेपर जो है सड़ गया है अब इसके आगे मैं नहीं कर पाऊंगा तो ऐसे टाइम पे यार अपनी आंखों को जो है बंद कर लेना कुछ सेकंड्स के लिए और एक चीज इमेजिन करना कि जब आप जो है पेपर का मतलब एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे आप अपना अच्छा रिजल्ट अपने पेरेंट्स को बताओगे तो उनके चेहरे पर जो खुशी रहेगी ना वो चीज आपको सुकून देगी अगर आपने उस चीज को इमेजिन कर लिया अच्छे से तो आपको यार पेपर के टाइम पे फिर से एनर्जी आ जाएगी आप डेफिनेटली जो है पेपर को अच्छे से करोगे ठीक है जितना आप नहीं लाने की सोच रहे थे उतना ना भी ला पाओ तो एक अच्छा स्कोर ले आओगे और डेफिनेटली आपके पेरेंट्स उस चीज को लेकर काफी हैप्पी रहेंगे तो ये चीज हो गई और देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब मॉक टेस्ट के जो भी आपके भाई रिजल्ट आए हो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है जैसे गए कितने आए वो सब छोड़ दो कल के पेपर में हो सकता है कि उससे बहुत बढ़िया आप करो ठीक है ना वो मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस के लिए होते हैं कभी कभी क्या होता है यार एग्जाम हॉल में अपन को जब ऐसा कॉम्पिटेटिव नेचर मिलता है ना कि भाई सब लोग जो है लगे हुए हैं पेन से भाई रफ वर्क सॉल्व किया जा रहा है सोल्व किया जा रहा है अपने आप एनर्जी आ जाती है हो सकता है कि आप जो है उससे बहुत बेटर परफॉर्म कर लो तो बिल्कुल भी मॉक टेस्ट के रिजल्ट के बारे में सोचने की जरूरत साथ साथ ही की अभी जो है आंसर की आ गई है तो कई स्टूडेंट्स ने शायद मैच भी कर लिया उनको लग रहा हो भाई बहुत खराब रिजल्ट आ रहा है तो जेई मीस से भी बेटसाइट को कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं उसमें है उसमें जितना भी परसेंटाइल आए बिट में आप उससे लाख गुना बेटर कर सकते हो तो इस चीज को भी बिल्कुल भी दिल पे मत लेना अब एक चीज बस आपको अभी यही सोचनी है कि आपको किसी भी तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना बेस्ट देना है ठीक है बेस्ट आप दे के आएंगे उसके बाद रिजल्ट जैसा भी आए उसके बारे में आपको नहीं सोचना है और हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जो है वो सेकंड अटेम्प्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हो तो इससे क्या होगा यार ये पेपर देने से आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि आखिर बिटसेट का पेपर किस लेवल का आता है साथ ही साथ आपको एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे मतलब यार एंजाइटी से डील करते हैं बाकी स्ट्रेस फैक्टर से कैसे डील करते हैं तो ये सारी चीजों का एक अच्छा आइडिया मिलेगा और जो भी स्टूडेंट्स सेकेंड अटेम्प्ट के लिए फोकस कर रहे हैं उनके लिए हमने एक स्पेशल जो है क्रैश कोर्स भी अभी लॉन्च किया है सफल बैच का तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो कोर्स डिटेल्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और एक चीज का खास ख्याल रखिए कि उस पर एक अर्ली डिस्काउंट कूपन कोड चल रहा था जो कि सिर्फ आज रात तक वैलिड है तो वो भी स्टूडेंट्स की हाई डिमांड पे हमने ये चीज करी है ठीक है इसके बाद उसको कूपन कोड को हटा दिया जाएगा तो अभी तक अगर इनरॉल नहीं किया तो तुरंत एक बार चेक करिए और जरूर इनरॉल कर लीजिए और लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि जिनका भी पेपर कल है अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानिए और अब डेफिनेटली जो है कल के पेपर में अच्छा करके आओगे किसी की भी कुछ सुनने की जरूरत नहीं है दोस्तों से बात नहीं करनी है रात में कि भाई तेरे कितना सिलेबस हुआ मेरा कितना सब कंपैरिजन छोड़ दो आपने अपनी तरफ से बेस्ट कर दिया है अब कल का पेपर बस दे के आना है और अपना जो है बेहतरीन आपको वहां पे एफर्ट डालना है तो होपफुली यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल भी रहेगा साथ ही साथ आप मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे तो इसी मोटिवेशन के साथ जो है बस आराम से सोना ठीक है नींद प्रोपरली लेना और जो है टाइम पे पहुंच जाना सेंटर चलिए तो मिलते अगले वीडियो में तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय